हेलो स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैथ फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया जाए. सो ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 5. द टू इक्वेशंस आर 4m plus 6n is equal to 54 and 3m plus 2n is equal to 28. Let's solve by Cramer's rule. पहले हम सादा d determinant तैयार करेंगे. सादे determinant में ये constant numbers नहीं आएंगे. Means 54 और 28 नहीं आएंगे, इन्हें कट कर देंगे. m के coefficients 4, 3 आएंगे और n के coefficients 6 and 2 आएंगे. yellow coefficients यहाँ पर लिखे जाएंगे m के coefficients और blue coefficients जो n के हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे. so copy 4, 3 in yellow and copy 6, 2 in blue. correct students, इस तरह से determinant तैयार हो गया अपना. check कीजिए yellow coefficients yellow में हैं और blue coefficients blue में हैं. correct, now solve it. d is equal to bracket minus bracket. पहले आप जन्म लेकर नीचे आइए 4 into 2, फिर मर कर ऊपर जाइए 3 into 6. अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाए. d is equal to 4 2 8 minus 3 6 18. so d is equal to 8 minus 18. final value of d is equal to minus 10. अगेन बोथ इक्वेशंस कंसीडर किया जाए. 4m plus 6n is equal to 54 and 3m plus 2n is equal to 28. by Cramer's rule dm determinant find out करने के लिए m वाले coefficients को हम कट कर देंगे. m coefficients कट हो गए तो फिर m की जगह पर क्या आने वाला है, constant 54 and 28, और n के coefficients अपनी जगह पर रहेंगे 6 and 2. yellow वाला constant number yellow में transfer कीजिए 54 and 28. blue वाला blue में transfer कीजिए 6 and 2. इस तरह से आपका determinant तैयार हुआ. students, अब determinant को solve किया जाए. determinant को solve करने के लिए हम लिखेंगे dm is equal to bracket minus bracket. पहले जन्म लेकर नीचे आइए, means 54 multiply by 2. अब मर कर ऊपर जाइए, that means 28 multiply by 6. solve कीजिए 54 2 जा 108 minus 28 6 जा 168. students, the answer is 108 minus 168 means minus 60. next dn का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन इक्वेशंस को कंसीडर कीजिए. 4m plus 6n is equal to 54, 3m plus 2n is equal to 28. by Cramer's rule dn determinant is equal to, अब n के coefficients कट कर दिए जाएंगे. n के coefficients means 6 and 2 को कट कर दिया जाएगा, that means n की जगह पर अब कांस्टेंट आएगा. तो m अपनी जगह पर रहेगा फर्स्ट प्लेस पर, yellow वाला देखिए फर्स्ट प्लेस पर आएगा, और n की जगह पर अब कांस्टेंट आएगा 54 एंड 28. तो 4 3 54 एंड 28. चेक कीजिए yellow कोएफिशिएंट आपने एग्जैक्टली yellow पर लिखा हुआ है एंड ब्लू कांस्टेंट आपने n की जगह पर मतलब ब्लू पे लिखा हुआ है. नाउ dn इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट. पहले जन्म लेकर नीचे आइए, दैट मींस 4 into 28, फिर मर कर ऊपर जाइए, दैट मींस 3 into 54. नाउ सॉल्व इट. 28 4 जा इज 112 एंड 54 3 जा इज 162. देयरफॉर 112 माइनस 162 इज giving dn is equal to minus 50. सारे calculated values एक जगह जमा किया जाए, d is equal to minus 10, dm is equal to minus 60 and dn is equal to minus 50. by Cramer's rule everybody knows m is equal to, tell me what the formula, dm upon d. don't write x,
हियर इन क्वेश्चन एम एन एन आर देयर, सो यू हैव टू राइट एम एन एन. एम इज इक्वल टू डी एम वैल्यू -60 डिवाइड बाय -10. सो माइनस माइनस कैंसल, द आंसर इज एम इज इक्वल टू 6. 10 6 जा 60 मीन्स आंसर इज 6. नाउ एन इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी, डी एन अपॉन डी, डी डी यू विल कैंसल, दैट मीन्स एन विल कम. सो डी एन वैल्यू स्टूडेंट्स -50 अपॉन डी वैल्यू इज -10. माइनस माइनस कैंसल, 10 5 जा 50, दैट मीन्स एन वैल्यू इज 5. नाउ द फाइनल आंसर वी गॉट इन कोऑर्डिनेट स्टाइल 6.5. करेक्ट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सिंपल है, इजी है, बट सेकेंड इक्वेशन फ्रैक्शन में दिया इन लोगों ने. तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 2, सेकेंड इक्वेशन x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2. अब ये अपॉन को हटाने के लिए हम 2 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट टर्म x मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकेंड टर्म y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द थर्ड टर्म 1 अपॉन 2 को भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. स्टूडेंट्स अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए. x इंटू 2 2x माइनस 2 कैंसल y एंड 2 कैंसल 1. दोनों इक्वेशन जो हमें मिले अब वो हम अगले पेज पर लेकर आते हैं. द इजी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए पहले सिंपल डी लिखा जाए. सिंपल डी में सिंपल नंबर मतलब कांस्टेंट टर्म्स नहीं आएंगे, 2 और 1 नहीं आएगा. तो x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट्स आएंगे. x के कोएफिशिएंट्स येलो बॉक्स के जो कोएफिशिएंट हैं वो पहले आएंगे येलो बॉक्स में, और y के कोएफिशिएंट्स जो ब्लू बॉक्स में हैं वो बाद में आएंगे ब्लू बॉक्स में. तो 2 2 x के हो गए और 3 माइनस 1 कोएफिशिएंट नहीं है मीन्स हम क्या समझेंगे, -1. ओके 3 माइनस 1 रिकॉर्ड हुआ. अब हम डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, पहले आप जन्म लेकर नीचे आइए 2 मल्टीप्लाई बाय -1, उसके बाद मरकर ऊपर जाइए 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो 2 इंटू 3. नाउ लेट्स फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू. d इज इक्वल टू 2 1 जा 2 मीन्स -2, 2 3 जा 6 पॉजिटिव 6, d इज इक्वल टू -2 -6 दैट मीन्स फाइनली d इज -8. टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 बाय क्रैमर्स रूल dx. नाउ स्टूडेंट्स x टर्म नहीं लिया जाएगा, 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, x की जगह पर येलो वाला आएगा 2 और 1 और y अपनी जगह पर होगा 3 एंड -1. सो येलो में येलो कांस्टेंट टर्म रखिए 2 एंड 1, और ब्लू में y के कोएफिशिएंट्स रखिए 3 एंड -1. डिटरमिनेंट क्लोज. अब डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट किया जाए. डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले लिखिए ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, जन्म लेकर नीचे आइए 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इन येलो बॉक्स, अब जन्म मरकर ऊपर जाइए तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 इंटू 3. सॉल्व कीजिए डी एक्स इज इक्वल टू 2 1 जा 2 -2 एंड 3 1 जा 3, डी एक्स इज इक्वल टू -2 -3, दैट मीन्स डी एक्स वी गॉट फाइनली -5. अब स्टूडेंट्स डी वाई के लिए एक बार फिर इक्वेशन लिया जाए. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, वी आर सॉल्विंग बाय क्रैमर्स रूल. डी वाई के लिए y कोएफिशिएंट्स हम कट कर देंगे, सो y कोएफिशिएंट्स यहां पर कट किए गए.
इसके बाद में y कोएफिशिएंट्स की जगह पर कांस्टेंट आएगा और x अपनी जगह पर आएगा। तो स्टूडेंट्स एलो कोएफिशिएंट्स जो x के हैं वो यहां पर आएंगे पहले, और y की जगह पर जो कांस्टेंट है 2 एंड 1 वो यहां पर आएगा। सो एलो कोएफिशिएंट्स 2 2 एंड ब्लू कांस्टेंट 2 एंड 1। करेक्ट स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट तैयार हुआ। अब डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। dy इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, पहले जन्म लेकर नीचे आइए, 2 इंटू 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर मरकर ऊपर जाइए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 2 इंटू 2। नाउ सॉल्व dy इज इक्वल टू 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, फाइनली 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 दैट मीन्स dy वी गॉट माइनस 2। नाउ स्टूडेंट्स ऑल कैलकुलेटेड गॉट वैल्यूज वी आर कलेक्टिंग हियर, d इज इक्वल टू माइनस 8, dx इज इक्वल टू माइनस 5 एंड dy इज इक्वल टू माइनस 2। लेट्स सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। x फॉर्मूला एवरीबडी नोज नाउ, dx अपॉन d, डी डी यहां पर स्टूडेंट्स कैंसिल होकर x का वैल्यू आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू dx वैल्यू इज माइनस 5 अपॉन d वैल्यू इज माइनस 8। स्टूडेंट्स हियर माइनस माइनस कैंसिल बट 5 एंड 8 कांट बी कैंसिल, सो 5 अपॉन 8 इज द फाइनल आंसर। सेकेंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d, अगेन स्टूडेंट्स d और d कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन d वैल्यू इज माइनस 8। अगेन स्टूडेंट्स माइनस माइनस कैंसिल, 2 अपॉन 8 को कट करेंगे तो 1 अपॉन 4 दैट मीन्स आंसर वी गॉट, आंसर इन कोऑर्डिनेट स्टाइल 5 अपॉन 8 कॉमा 1 अपॉन 4। Correct.